दोस्तों 15 लाख रुपए की इनकम के ऊपर जो भी इनकम टैक्स के स्लैब रेट लगते थे उनमें आपको अब चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बजट 2024 जो अब इलेक्शन के बाद दोस्तों आने वाला, जैसे आपको पता है कि एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार दोबारा आ चुकी है, तो इस चक्कर में सरकार अब जो है एनडीए सरकार जो इनकम स्लैब रेट है उनके अंदर चेंजेस करने वाली है, जो हमारा अगले महीने जुलाई में बजट बजट जो प्रेजेंट होने वाला है उसके अंदर। तो गाइस क्या ये न्यूज़ है पूरा डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूँ कि वीडियो को आप स्किप ना करें, एंड तक देखें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम में मिलते रहे। आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल न्यूज के सोर्सेज है जहाँ पे बजट 2024 जो आने वाला है ना उसके अंदर सरकार टैक्स रेट को कम करने वाली है। तो पहले तो ये समझते हैं कि क्या ये टैक्स रेट है अभी एग्जिस्टिंग जो हमें पता होने चाहिए ओल्ड रिजिम के हिसाब से और न्यू रिजिम के हिसाब से, और जो बदलाव की बात की जा रही है वो किसके अंदर होने वाला है, तो पूरा मैं डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको पता है कि देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जो हमारे टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं, 2.5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है, नील होता है। 2.5 से 3 लाख की इनकम पे आपको 5% है, 3 से 5 लाख तक आपको 5% है, अगेन क्योंकि 5 लाख तक की इनकम में दोस्तों आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है ओल्ड रिजिम के हिसाब से, क्योंकि वहां पे आपको 87A की रिबेट मिल जाती है। तो 5 से 10 लाख की अगर मैं इनकम की स्लैब रेट की बात करूं तो 20% का टैक्स वहां पे लगता है, और 10 लाख से ऊपर अगर हमारी टोटल इनकम जाती है तो 30% की कैटेगरी में आप आ जाते हैं। तो गाइस ये तो हमारे इंडिविजुअल जिनकी 60 साल से एज कम है ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जो जनरल मोस्टली सबके लिए एप्लीकेबल है ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से, कि 10 लाख से ऊपर की अगर टोटल इनकम जाती है तो आपको 30% टैक्स रेट देना पड़ता है। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम की बात करूं, क्योंकि दोस्तों ये जो चेंजेस आने वाले हैं जिसके बारे में ये न्यूज अभी आ रही है लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा जल्दी से आपको दे दूं। तो न्यू रिजिम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं है, वो नील है बेसिकली। 3 से 6 लाख पे आपको 5% का टैक्स की कैटेगरी में आते हो, 6 से 9 लाख के ऊपर दोस्तों 10% की कैटेगरी में आप कवर होते हो, और 9 लाख से 12 लाख 15% है, 12 लाख से 15 लाख 20% है, और 15 लाख से ऊपर 30% है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है और 15 लाख तक है तो आपके पास यहाँ पे जो स्लैब रेट आते हैं, रेट्स के जो आते हैं वो 5% से लेके 30% तक का दोस्तों स्लैब रेट है, सॉरी 20% का स्लैब रेट है अगर आपकी 3 लाख से 15 लाख तक की इनकम हो जाती है, तो वहां पे आपका 5% से लेके 20% का स्लैब रेट है, और जो 15 लाख से ऊपर चले जाते हैं दोस्तों उनके ऊपर 30% का जो है आपको टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली देखा जा रही है, तो यहाँ पे जो हायर मिडिल क्लास है, देखा जाए तो मिडिल क्लास के लिए यहाँ पे कुछ बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है। तो जो लोग 3 लाख से लेके 15 लाख इस वाले सिनेरियो में आते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में, इसके अंदर सरकार चेंजेस लेके आने वाली है जो बजट हमारा अभी इलेक्शन के बाद आने वाला। सो गाइस इसीलिए न्यूज अभी इतनी ट्रेंडिंग चल रही है कि मोदी गवर्नमेंट मूल्स इनकम टैक्स रेट कट फॉर अर्निंग ओवर 15 लाख सेज द रिपोर्ट, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है 15 लाख तक या 15 लाख से ऊपर जो भी लोग कमा रहे हैं उसमें टैक्स रेट के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चेंजेस दोस्तों जरूर होने वाले हैं जो इलेक्शन में, हमारा जो बजट अब प्रेजेंट होने वाला है इलेक्शन के बाद जुलाई के अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज है हमारे पास वो क्या है कि अब आपकी जो F&O की जो प्रॉफिट होगा, आप शेयर मार्केट में अगर डील करते हैं तो जो आपको F&O की जो आपकी इनकम होने वाली है उसको स्पेक्युलेटिव इनकम की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो एक ये भी बहुत बड़ी दोस्तों न्यूज है। पहले क्या होता था, जो हमारा F&O का जो भी प्रॉफिट होता था, यानी कि जो हम F&O करते थे स्टॉक मार्केट में, उसको नॉर्मल बिजनेस ट्रीट किया जाता था। तो अगर उसमें कोई हमारा लॉस होता है तो वो हमारे किसी भी दूसरे नॉर्मल बिजनेस से सेटअप हो सकता था, लेकिन अब उस F&O सेगमेंट को उठाकर स्पेक्युलेटिव की कैटेगरी में लेके आने हैं। जैसे कि इंट्राडे की हमारी जो इनकम है, इंट्राडे का जो हमारा बिजनेस है उसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाता है, तो इसीलिए उसके अंदर कोई लॉस होगा तो उसी तरह की सेम स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही वो सेटअप हो सकता है। तो अब ये बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे होने वाला है जिसकी वजह से F&O के ऊपर दोस्तों हायर टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि F&O की जो बिजनेस की इनकम है वो नॉर्मल बिजनेस मानते थे, अब नॉर्मल बिजनेस के चक्कर में उसके ऊपर नॉर्मल जो स्लैब रेट है वो लगते थे, लेकिन अगर वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएगा तो फिर उसके ऊपर हायर टैक्स रेट लगेंगे, फिर उसके ऊपर नॉर्मल बिजनेस रेट
नहीं लगेगा, उसके ऊपर क्या लगेगा, बेसिकली एक स्पेशल रेट यहाँ पे लग सकता है। तो गाइस ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा अपडेट होने जा रहा है बजट 2024 में, जिसकी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। तो गाइस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, और आपका कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद ही होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे दबाएं, ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।